प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों और नेताओं के माथों पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस को जहां सत्ता में रिपीट होकर प्रदेश के बदलती सरकार के रिवाज को तोड़ने का दबाव है, तो वहीं भाजपा पर रिवाज को बरकरार रखते हुए सत्ता में लौटने का भारी बोझ भी है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय कुछ है तो वह है दल बदलू नेताओं का डर, जो लगातार पार्टी को छोड़ते हुए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही टिकट नहीं मिलने वाले नेताओं की बगावत भी कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। आज हम ये जो मुद्दा है, इस पर बात क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों दल बदलू नेता कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकते हैं? इस कड़ी में हम बात करेंगे कांग्रेस के उन नेताओं की जो अब तक भाजपा में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस के लिए सियासी मैदान में खेल बिगाड़ने का बड़ा काम कर सकते हैं। पहली, जयपुर की पूर्व महापौर और सचिन पायलट गुट की नेत्री माने जाने वाली ज्योति खंडेलवाल। कांग्रेस का वैश्य चेहरे के रूप में अपनी पहचान रखने वाली और जयपुर की पूर्व मेयर रही ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी है, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के धुर विरोधी माने जाने वाले कांग्रेस नेता सचिन पायलट गुट का माना जाता है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि उन्हें इस विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस की टिकटों का बड़ा दबदबा सीएम अशोक गहलोत का माना जा रहा है। टिकट नहीं मिलने की नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ी, जिसके चलते ज्योति खंडेलवाल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। ज्योति खंडेलवाल हवामहल सीट से दावेदारी कर रही है। 20 साल तक कांग्रेस में रही ज्योति खंडेलवाल को बीजेपी किशन पोल से उम्मीदवार बना सकती है। ज्योति खंडेलवाल का झटका लगने के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका तब लगा जब युवा जो नेता हैं रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस को चुनौती दी। बताया जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन निराश हाथ लगने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। जहां वे शिव विधानसभा से टिकट मांगते नजर आ रहे थे, पर यहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद कयास थे कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो ये कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि वह जोधपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनकी पहचान फायर ब्रांड नेता के रूप में होती है। कांग्रेस पार्टी पर प्रदेश में सत्ता रिपीट करने का दबाव है, लेकिन उनके लिए तीसरा बड़ा झटका तब लगा जब सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। सुरेश मिश्रा भी सचिन पायलट गुट के नेता माने जाते रहे। कहा जा रहा है कि इनको कांग्रेस पार्टी द्वारा नजरअंदाज करना इनकी बगावत का कारण बना। ये तीन नेता ही नहीं, बल्कि कुछ नाम ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द ही नहीं, बल्कि वो खतरा साबित हो सकते हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश की सत्ता रिपीट के सपने को पूरी तरीके से चकनाचूर कर सकते हैं। इसमें एक बड़ा नाम है प्रदेश की सरकार में जलदाय मंत्री महेश जोशी, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, जो अपनी कमाल का दबदबा राजनीति में रखते हैं। अभी तक कांग्रेस की 5 लिस्टें आ चुकी हैं जिनमें इनका नाम नहीं है, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान भी महेश जोशी के टिकट के लिए आसानी से राजी नहीं हो रहा, क्योंकि उनका नाम भी 25 सितंबर वाली मीटिंग में आता है। अब तक टिकट लिस्ट में महेश जोशी का नाम नहीं आने पर राजनीतिक गलियारों में कयास है कि वह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए इस विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा झटका होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये कुछ नाम हैं जो कांग्रेस को न सिर्फ कमजोर कर रहे हैं, साथ ही उनकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूँ ललित वर्मा।